कबीर भैया ये सब भाभी हम सॉरी भाभी प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। दरअसल बात यह है कि काव्या को इन फूलों से एलर्जी है। मम्मा बोली थी अभी बात यह है कि काव्या को ना बुरा लग रहा था, वो आपने इतनी मेहनत से ये फूल सजाए हैं। बुरा लग रहा था जी। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है काव्या? फूल तो मुझे भी पसंद नहीं, पर मैंने सोचा आप सुहागरात की सेज बिना फूलों की कैसे होगी, इसीलिए ये फूल। मम्मा आपको तो ये फ्लावर्स पसंद थे ना, आप तो इनको वास में लगाती थी ना। अच्छा आपको सब पता है ना छोटू? आजकल के बच्चे ना इतने स्मार्ट हो गए हैं, सब समझते हैं। अच्छा मैं सब साफ कर देती हूँ। नहीं अब रहने दीजिए, मैं कर दूंगी। हाँ ठीक ही है, आखिर ये कमरा तुम्हारा है, तुम ही इसे ठीक करो। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं जाती हूँ सोने। ओके कबीर भैया आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब काव्या को अपना लेंगे। This is brilliant. और ये रखा आखिरी गुलाब और ये तैयार हुआ मेरा मास्टरपीस। वाह कबीर क्या बनाया तुमने? Fantastic. I know. Thank you बोलना है तो प्लीज सिर्फ मुझे बोलना। बिल्कुल क्योंकि ये क्लासिक है। Yeah. Because it has no class. And it is sick. एक सेकंड, क्या 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 मतलब? मतलब ये है स्वीटहार्ट कि इसे सजाना नहीं फैलाना कहते हैं। रुको मैं कर। नहीं एक मिनट मैडम, एक मिनट, बिल्कुल भी मत छूना। पूरे 2 घंटे लगाए मैंने इस सेज को ना सेट करने में, तो अगर तुम ये छूओगी तो बेड का ना पूरा सत्यानाश होने वाला है, तो प्लीज डोंट इवन ट्राई। कबीर खराब चीज को बेटर किया जा सकता है, लेकिन और खराब कैसे करते हैं बताना जरा। कहाँ जा रही हैं आप? क्या चाहिए आपको? वो एक्चुअली जानवी भाभी कहाँ है? वो कपड़े धुलवाने हैं या बेडशीट बदलवानी है सुहाग रात के बाद? एक्चुअली मुझे आरुष के लिए थोड़ा सा दूध चाहिए था। आरुष फ्रेश मिल्क पीता होगा ना, राइट? तो ठीक है मैं जानवी दीदी को बोल देती हूँ, वो तबेला या व्हाटएवर से ले आएंगी फ्रेश मिल्क। नौकर समझ के रखा है क्या जानवी दीदी को? आरुष अगर एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। क्यों सुनी ईशानी, तुम मेरे बेटे के बारे में बात कर रही हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी।
और एक बच्चे के बारे में इस तरह से बात करना शोज योर क्लास। क्लास? तू मेरी क्लास के बारे में बात करेगी? अरे तू क्या है? यू ब्लडी निशानी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी काव्या पे हाथ उठाने की? बहू है वो इस घर की। How can you support this woman? इसने मेरा सब कुछ छीन लिया और अब इसको सपोर्ट कर रही है? चुप हो जा। मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने अभी तक आपका साथ दिया है दी। निशानी बस्कर, मैंने बचपन से आपके हर प्लान में साथ। निशानी, निशानी, जानी, 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 बस, इसे हाथ मत उठाओ, जानी, काम डाउन। नहीं ध्रुव, इतना प्यार करती हूँ मैं उससे, पर कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है। नहीं करती आप मुझसे प्यार। अगर आप मुझे प्यार करती ना तो इस औरत को सपोर्ट नहीं करती। आपके पास बहुत हो गया, बहुत डांट लिया आपने। संभालिए अपने आप को, बस कीजिए, बहुत हो गया। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। जा यहाँ से। ठीक है, चली जाती हूँ। जानवी, just calm down, रो मत। देखो किसी को मारना सोल्यूशन नहीं है। मैं मानता हूँ निशानी से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर हाथ उठाया जाए। True. I know how to handle her. हमारे लाड प्यार की वजह से वो इतना बिगड़ गई। लो बताओ, बैठे बैठे घर में महाभारत टाइप हो गया। हस्तिनापुर टाइप बन के यहाँ क्या खड़ी है? जा। मम्मा ये देखो ना, बस एक ही लाइफ बची है, प्लीज हेल्प कर दो ना। कबीर सॉरी, मेरी वजह से। काव्या, काव्या कुछ कहने की जरूरत नहीं है। काव्या मैं जानता हूँ तुम कभी गलत नहीं करोगे। मेरी बात सुनो, मैं माफी मांगती हूँ ईशानी की तरफ से। ईशानी, ईशानी, ईशानी दरवाजा खोल, ईशानी प्लीज दरवाजा खोल। भाभी हमें रहने दीजिए, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। वैसे भी आपने हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है। भाभी, भाभी वो ईशानी दरवाजा नहीं खोल रही, प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए। दरवाजा नहीं खोल रही मतलब? हाँ भाभी, मैं बहुत देर से नॉक कर रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ प्लीज चलिए। मैं चलता हूँ। चल जल्दी। ईशानी, ईशानी दरवाजा खोलो। ईशानी, ईशानी, ईशानी प्लीज दरवाजा खोल। ईशानी बैठ के बात करते हैं। ईशानी दरवाजा खोलो। नर्स, मेरी बहन ठीक तो है ना? देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं।
मुसलमान अगर अब भी बाकी हो तो चले जाओ यहां से। पापा मैं बात करता हूं कबीर से। कबीर तू चल भैया प्लीज। जब तक ईशानी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहां से। जब तक तुम और वो लड़की यहां है कुछ ठीक नहीं होगा। जानवी ने बहुत बड़ी गलती की जो उस लड़की को इस घर में घुसने दिया। तुम्हारे साथ इस घर में तुम्हारी मुसीबतें बढ़ाने नहीं आई थी कबीर। कैसे भूल जाऊं कि मेरी वजह से किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। पापा ध्रुव ईशानी अब ठीक है। अभी अभी डॉक्टर ने कहा आपको कोई खतरा नहीं। हेलो काव्या ईशानी बिल्कुल ठीक है। तुम टेंशन मत लो शी इज आउट ऑफ डेंजर। ओके हाँ सेना हम लोग घर वापस आ गए हैं। हाँ ईशानी भी वापस आ गई है। शी इज फाइन। एक बात का ख्याल रखना वो सुसाइड कमिट करने वाली बात हॉस्पिटल से बाहर जाने मत देना। मेयर के इलेक्शन आ रहे हैं वो फजूल का इशू बना देंगे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। एक घंटा है तुम्हारे पास। एक घंटे में इंदौर से ट्रेन निकलने वाली है। अपने लड़की को लेकर निकल जाओ इस घर से। I'm sorry, Dad. जिससे आप बात कर रहे हैं वो मेरी बीवी है और उसे आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। really? Let me think. इसी लड़की की वजह से तुमने पूरे फैमिली से बात छुपाई कि तुम्हारी शादी इससे हो गई है। ये वही लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग हिल गया है। और ठीक कह रहे हो तुम। मुझे इस लड़की से इस टोन में बात नहीं करनी चाहिए बल्कि धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। आप मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए एक बार। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है मुझे तुम्हारी दुख भरी दास्तां सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कभी। तुमने बार बार मुझे डिसअपॉइंट किया है। मेरा ड्रीम था कि तुम ध्रुव की तरह मुझे ज्वाइन करो मेरे बिजनेस में मेरा साथ दो मेरे साथ जुड़ जाओ। लेकिन तुमने आर्मी ज्वाइन कर ली। मैंने तुम्हें मौका भी दिया एक्सप्लेन करने का लेकिन तुमने जरूरी नहीं समझा। इतने साल निकल गए हमारे बीच बात भी नहीं हुई। 6 साल बाद तुम आर्मी से वापस आने वाले थे। मुझे लगा हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस खुशी में मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की भी देख ली थी लेकिन तुम उस लड़की के साथ शादी करके वापस आ गए। You've disappointed me again. मुझे मेरा बेटा कब मिलेगा? जब तक तुम इस लड़की के साथ हो मुझे तुम्हें मेरा बेटा दिखाई नहीं देता। इस लड़की को उस घर से बाहर निकाल दो। इसके बाद मैं तुम्हें वक्त ही वक्त दूंगा। I'll give you all the time in the world, Kavya. इस लड़की का नाम डैड काव्य है और ये लड़की मेरी बीवी है। और ये लड़की डैड इस घर से कहीं नहीं जाएगी। She's not going anywhere.
अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। हम सबकी लाइफ का फैसला आप नहीं कर सकते, और वो डैड मेरी फैमिली है, और मैं अपनी फैमिली के साथ किसी भी तरह का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं चाहूंगा। हले वो मेरे पाप का क्यों ना हो। तुम्हारी ये मत। डैड प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? डैड अभी तू हट पीछे, तू हट ना यार, क्या कर रहा है? पापा काव्या अपने रूम में अंदर जाओ। ये लड़की इस घर से बाहर जाएगी। काव्या मैंने कहा ना अपने रूम में अंदर जाओ तुम। जिसको चल मेरे साथ, क्या कर रहा है तू यार, चल चल मेरे साथ बाहर चल तू, चल। पापा क्या कर रहा है तू कबीर? हाँ अंदर जाने दे, डिसाइड कर, क्या डिसाइड कर लेते हैं? हाँ मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, मुझे अंदर जाने दे। और मैं तुझसे कह रहा हूँ मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। क्या करेगा? मारेगा मुझे? माना। Just calm down कबीर। अरे तुम दोनों बाप बेटे हो, तमीज से बात कर सकते हो एक दूसरे से। Have a mature talk. Mature talk. तो अंदर जानो, डैड को समझा। मुझे क्या समझाऊं मैं कबीर? बोल। इधर देख मेरी तरफ, बता क्या समझाऊं? अबे यू आर मैरिड, किसी को नहीं पता थे बात। यू डिडंट टेल एनीवन। एनीवन कबीर? मुझे भी नहीं। अरे तेरा बच्चा है, अरे बात कोई नहीं जानता था। तेरा बड़ी भाई भी नहीं। बड़ा भाई नहीं, बड़ी भाई हूं मैं तेरा, यही बोलता था ना तू? सब भूल गया अब? अगर डैड को गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, अब मैं इसमें क्या करूं? बोल। काम कर, चले कुफर स्पिन, ले जा मेरी कार, तब तक डैड का गुस्सा शांत हो जाएगा यार। और सुन, रैश ड्राइविंग मत करना। ज्ञान किसी और को बांटियो? ओए ज्ञान नहीं बांट रहा हूं मैं तुझे, मेरी गाड़ी पे स्क्रैच नहीं आना चाहिए, समझा? सीरियसली? या चल जा, जाना यार, गो। पापा आप ऐसे काव्या को घर से बाहर निकालने की बात कैसे कह सकते हैं? आज उस लड़की की वजह से ईशानी ने ऑलवेज अपनी जान ले ली थी, सिर्फ उस लड़की की वजह से। और कबीर मुझसे लड़ रहा था, अपने डैड से। मैं बता रहा हूं, इस लड़की ने कबीर को फंसाया है। He's my son. I know him very well. वो किसी बात से नहीं डरता, मेरे मुंह पर बोल के जाता वो। तुम ही सोचो, जो बंदा अपने बाप से लड़कर घर छोड़कर जा सकता है, उसे किस बात का डर कि अपनी शादी की बात सबसे छुपाएगा? मैं बता रहा हूं, ये सब उस लड़की का किया हुआ है। मुझे इस लड़की से स्टोन में बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? एक घंटे में इंदौर से ट्रेन निकलने वाली है, अपने लड़की को लेकर निकल जाओ इस घर से। जिससे आप बात कर रहे हो मेरी बीवी है, वही लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग हिल गया है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।